तो अब आते हैं फेस रिवील पर, तो इस बार फेस रिवील कर ही देते हैं। तो ये रहा मैं कैसा लगा। सो फाइनली मेरा क्यू एंड ए वीडियो आ चुका है दोस्तों। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, जैसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ वगैरह वगैरह से लेके एनिमे सीरीज में फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन कौन से कैरेक्टर्स वापस आएंगे एंड भी मैनी मैनी मोर डिटेल्स, जैसे कि फेस रिवील का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और मेरी यूट्यूब इनकम कितनी है उसका आपका अंदाजा आज हो जाएगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसको बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्यू एंड ए वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, थोड़ी शर्म करो, सब्सक्राइब करो। और यस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्या कर लोगे, भाई ये बात तो ईगो पे आ गई, अब तो मैं ये क्वेश्चन लेके ही रहेगा, तो पहला क्वेश्चन ही तुम्हारे लूंगा आज तो। और देखते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। क्या भाई तुम वॉइस चेंजर का यूज करते हो और फेस रिवील क्या अगले जन्म में करोगे? भाई नहीं नहीं, मैं वॉइस चेंजर यूज नहीं करता बिकॉज उसमें टाइम लगता है और मैं आलसी बंदा हूँ, मैं टाइम यार ज्यादा दे नहीं सकता। और फेस रिवील अगले जन्म में करोगे? भाई तुमको मैंने बोला है क्वेश्चन पूछने को, मुझको रोज करने को नहीं बोला है। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी आपका नाम गुरुजी क्यों है, हमेशा इज्जत क्यों देनी पड़ती है? सिग्मा रूल नंबर 100, अगर आपकी इज्जत ना हो समाज में तो अपना नाम ही ऐसा रख लो कि आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाए, जैसे कि गुरुजी बिग ब्रैंड IQ 100। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स आपकी वीडियो देखते हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स कभी कभी देख लेते होंगे बट रिलेटिव्स बिल्कुल नहीं देखते बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यू नो आई एम समथिंग ऑफ सुपर हीरो माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन है ए मैन का, अगर तुम ए मैन हो तो मैं हूँ बी मैन। तो इनके क्वेश्चन है रैपिड फायर, देखते हैं डेयरी मिल्क या फिर किटकैट? डेयरी मिल्क। मिस्टी और सरीना, पावर वाइज मिस्टी और दिल वाइज सरीना? टोबायस और एलान, एलान। साइजार और ग्रीन निंजा, दोनों ही बेस्ट है भाई, मैं किसी के फ्रेंड को नाराज नहीं करेगा। डाकराय और मेलमेटल, मेलमेटल। मैजिकाप और बीडूप, मैजिकाप सदा अमर रहे। साइबोल्ड और लेंस, लेंस ओपी। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लो भाई, सब क्वेश्चन तुम्हारे लूंगा क्या, दूसरे के भी तो क्वेश्चन लेने हैं, चल चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई फेस रिवील कब करोगे? करेंगे, रुको रुको, कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपने स्कूल में फेमस हो बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब चैनल? नहीं नहीं यार, किसी को पता नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं रहता हूँ बिल्कुल सीक्रेट आइडेंटिटी, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी का फैन कूलर एसी यूज करते हो? देखो मैं नहीं बताएगा, पहले उन कंपनी वालों को बोलो मुझे स्पॉन्सरशिप देवे। अगला क्वेश्चन है, फेवरेट बिस्किट कौन सा है, लाइक पार्ले जी, गुड डे? तो मेरा फेवरेट है पार्ले जी, हैशटैग नॉट स्पॉन्सर। अपना थोबड़ा छोड़ो, स्पार्की का थोबड़ा दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई आप कौन से स्टेट में रहते हो? भाई मैं राजस्थान में रहता हूँ भाई, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, भाई 11th में कितने मार्क्स आए थे? तो 11th में इसी क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हारा क्वेश्चन लिया है ताकि मैं थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकूँ, मेरे आए 49 के उल्टे, मतलब 94। सच में झूठ नहीं बोल रहा, लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं। अगला क्वेश्चन है, रैपिड फायर, फ्री फायर और पबजी? तो फ्री फायर मैंने अभी तक खेला नहीं है तो अभी के लिए पबजी, बट सुना है फ्री फायर भी ओसम है। RRR vs KGF Chapter 2, तो दोनों ही मैंने अभी हाल ही में थिएटर में देखी थी, तो कमाल की मूवीज थी दोनों, मज़ा आ गया था, मन कर रहा हूँ कि वापस देख के आ जाऊँ, बट वीडियो भी तो बनानी है, अगर मूवीज देखता रह गया तो वीडियो कौन बनाएगा। मिस्टी सरीना, ओ दोनों में से कौन बेस्ट है? तो आई थिंक दोनों ही बेस्ट है, हिंदी सॉन्ग और पंजाबी सॉन्ग। हिंदी सॉन्ग एसो रेड एस किचन। अगला क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? पोकेमोन गुरुजी इज माई फेवरेट यूट्यूबर, तुम्हारा भी वही फेवरेट होगा मुझे लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, ओपी विशाल का, वाह बंदे को देख रहे हो, अपने नाम में ही ओपी लगा रखा है। क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन सबसे पहले लोगे? नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन लूंगी नहीं मैं। पोकेमोन में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए पोकेमोन एनिमे को बेटर बनाने के लिए? सबसे पहले गो को बाहर निकाल दो, पोकेमोन बेटर से भी ज़्यादा बेटर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोकेमोन कंपनी का सबसे वर्स्ट डिसीजन इन योर ओपिनियन? सबसे पहला वर्स्ट डिसीजन यही है कि उन्होंने गो को एनिमे सीरीज में लेके आया। आपको मौका मिला तो मास्टर 8 में किन किन ट्रेनर्स को इंक्लूड करोगे? सबको इंक्लूड कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे डीपी में जो लगा हुआ है ना, ये स्टीवन चचा पत्थर बेचने
वाला, उसको तो मैं करता ही ऐड नहीं करेगा। आपका फ्यूचर प्लान 1 मिलियन सब्सक्राइबर करो, फेवरेट पोकेमोन एपिसोड, मतलब फेवरेट पोकेमोन एपिसोड की बात की जाए तो अभी के लिए तो 105 है, लेकिन बहुत जल्द 29 अप्रैल को फेवरेटम एपिसोड आने वाला है, वो है अपना ग्रीनजा का रिटर्न। एंड पोकेमोन के सबसे बेस्ट डिजाइन किस पोकेमोन का लगा आपको? लुकारियो ऑफकोर्स यार, कोई पूछने वाला सवाल है। सही ना, आपकी बहन है क्या भाई? मुझे लगा अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तुमको ब्लॉक कर दूंगा चैनल से, बता रहा हूँ। इसी कारण की वजह से मैं तुमको क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, पिकाचू ओपी का, देखो ये भी उसका भाई लगता है मुझे, दोनों ओपी ओपी लगा रखा है। देखते हैं गुरुजी, आपके पास दो ऑप्शन है, उनमें से एक है चुनो। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप फेस लेवल करोगे तो आपकी शादी सही ना से होगी। सेकंड ऑप्शन, अगर आप फेस लेवल नहीं करोगे तो आपकी शादी गो से होगी। भाई यहाँ पे क्या KBC चल रहा है क्या? मतलब मुझे ऑप्शन दे रहे हो, क्वेश्चन पूछने को बोला है, KBC के लिए नहीं बोला है मैंने, इसी कारण की वजह से तुम्हारा क्वेश्चन भी मैं स्किप करता हूँ। अगला क्वेश्चन है MRTS वर्ल्ड का, देख रहे हो अलग ही दुनिया बना रखी है। तो इनका क्वेश्चन है, आपका रियल ड्रीम क्या है? पोकेमोन मास्टर मत बोलना। नहीं नहीं, पोकेमोन मास्टर नहीं बोलूंगा यार, पोकेमोन चैंपियन है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्नो का, वो बोल रहे हैं कि अगर पोकेमोन खत्म हो गया तो कैसी वीडियो जाएगी, अगर Gen 9 आ गया तो न्यू एपिसोड आने तक कैसी वीडियो बनाओगे। तो सिंपल सी बात है, मेरा चैनल कभी न्यूज़ के ऊपर था ही नहीं, बट अभी हाल ही में न्यूज आ रही है, आप लोगों को रेस्पॉन्स आ रहा है तो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, वरना Top 10 थ्योरी मतलब मिस्टेक्स, मैं इनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, पुरानी वीडियो जाकर देख लेना। अब 12th में चले गए तो पढ़ाई की वजह से वीडियो थोड़ी लेट आएगी, हाँ लेट हो सकती है, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ एग्जाम में, वरना तो वीडियो रेगुलर आती रहेगी, बस सपोर्ट चाहिए, बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर सुडो लेजेंडरी पोकेमोन जो है ड्रैगन टाइप क्यों होते हैं? सतीश जी हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो, पोकेमोन को पसंद है, उनकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्या सरीना एंड एस एक दूसरे को अभी तक पसंद करते हैं? भाई नहीं 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 करते यार, सरीना ने बोला है वो मुझे पसंद करती है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनिंजा परमानेंटली रिटर्न आएगा या फिर टेम्पररली, मतलब यार इतनी इंग्लिश मेरे से बोली नहीं जाती, पर देखो परमानेंटली शायद वापस आएगा, बिकॉज वो है नोकर टाइग रेड का, तो वो नहीं आ पाएगा। देखना फेस्टिवल कब करोगे, जल्दी करेंगे, आज ही करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। अगला क्वेश्चन है, सोर्स में ढंग के सवाल कब पूछोगे? भाई देखो ये भी रोस्ट करने लग गया है, भाई रोस्टर हो गया तुम लोग, मेरा रोस्ट पे रोस्ट किए जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है सेली दी पोकी ट्यूबर का, हु इज मोर स्ट्रॉन्ग, मैजिकार्प और फीबस? देखो फीबस होगा तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग पोकेमोन, मेरे लिए मैजिकार्प स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, हम हैं मैजिकार्प के फॉलोवर, हमको पसंद है मैजिकार्प, समझे। आर यू ए पोकेमोन? नहीं भाई मैं तो एलियन हूँ, दूसरे ग्रह पे रहता हूँ, इसलिए तो फेस रिवील नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है सैना केचम का, वाह नेम देख रहे हो, सैना केचम, मतलब नाम मुझे कतई पसंद नहीं आया, मुझे दर्द होता है यार। अगला इनका क्वेश्चन है कि भाई मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्योंकि उसमें चॉकलेट है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। अगला क्वेश्चन है, भाई तुम्हारा नेम क्या है, क्लास क्या है, एज क्या है, फेवरेट एनिमे, फेवरेट कार्टून, मेलोडी वाला क्वेश्चन, टूथपेस्ट वाला क्वेश्चन, आपकी जीएफ का नंबर, वैसे जीएफ के नंबर करोगे क्या, उसके लिए जीएफ होनी भी तो चाहिए। वैसे इतने सारे क्वेश्चन पूछा है, सबका आंसर दूंगा तो दूसरे का आंसर कब दूंगा भाई, ये क्या ऐसे लिखने को तो नहीं बोला मैंने। अगला क्वेश्चन है कि भाई का रियल क्लास एज मूवी 10 डाक रहा है, भाई इन्होंने भी इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मैं इसका आंसर दे ही नहीं पाऊंगा। बट एक इनका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट शो इन चाइल्डहुड कौन सा देखा? जितना मुझे याद है मैंने देखा था शायद तक यार कौन सा था यार, शायद तक टॉम एंड जेरी होगा, बिकॉज बस में वही देखते थे, या फिर डोरेमोन होगा, हाँ डोरेमोन हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब क्वेश्चन फेस रिवील करो वरना गुस्से वाला इमोजी। सैना रिटर्न की बात की खुशी, ए स्क्रीनजा के रिटर्न की न्यूज़ के बारे में खुशी, क्वेश्चन ले लो वरना गुस्सा। हाँ भाई ले लिया क्वेश्चन, बस गुस्सा मत करो, मुझे डर लग गया आपसे। बट हाँ मैंने जो बोला था, सैना ग्रीनजा वापस आएंगे, आ गए हैं तो सब्सक्राइब करो ना यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, मतलब यार इस Q&A का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ टू सी पोकेमोन इन मोबाइल। इसके लिए आपको तीन चीज़ें करनी पड़ेगी, पहला आपके पास मोबाइल होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर पोकेमोन का फोटो होना चाहिए, तीसरा आपके पास आंखें होनी चाहिए। फिर फ़ोन को साइड में रखो और उसको देखो और पोकेमोन आप फोन में देख लोगे, सिंपल। मतलब इतनी मेहनत की है,
लाइक करो यार। अगला क्वेश्चन है रेसिस्ट सेमोगोन का, और मेरा क्वेश्चन उठाना मत भूलना भाई। हाँ क्वेश्चन उठा लिया है, अब इसका क्या करूँ, काफी भारी लग रहा है, उठा के फेंक दूँ क्या? नहीं फेंकेंगे यार, दिल में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक नेक्स्ट जेन एस विल कैच मोर देन 5-6 पोकेमोन्स। भाई अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि इस किस्म अगले सीजन अगले सीरीज में होगा या फिर नहीं, गो उसे मुझे डर लग रहा है, क्या पता इसको टेक ओवर कर ले। अगला क्वेश्चन है लियोन का, वाह चैंपियंस भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं। इनका क्वेश्चन है गो से शादी कब कर रहे हो? भाई मुझे क्या पता तुम गो से शादी कब कर रहे हो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाई क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? नहीं भाई जहर है, उसको खा के मर जाना है तुम्हारे क्वेश्चन देखकर। बट देखते हैं, इन्होंने अलग क्वेश्चन ही पूछा है, फ्यूचर में गेमिंग ट्राई करोगे क्या? देखो कुछ पक्का नहीं है, बट हाँ ट्राई करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन है लुखारियो ट्रेनर का, लुखारियो के ट्रेनर आ गए कौन हो, एस केचम हो या फिर कोरिना हो, कौन से वाले लुकारियो के ट्रेनर हो? सो इनका क्वेश्चन है मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ। भाई मेरी पूरी लाइफ भी एम्बैरेसिंग से भरी हुई है, क्या करोगे, मतलब मैं घर से बाहर निकलते ही नहीं हूँ, मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं, तो एम्बैरेस मोमेंट होंगी क्या? कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल गया। अगला क्वेश्चन है जीबी एनिमे डिस्कशन का, आपका फुल नेम मैं नहीं बताएगा, डिमोन स्लेयर वर्सेस नारुतो दोनों में देख रहा हूँ, अभी तक स्टार्टिंग में हूँ, कंप्लीट अगले साल होंगे मुझे भी नहीं पता। आपका स्कूल के फ्रेंड का नाम बताओ, और फ्रेंड का नाम बताने के लिए फ्रेंड होना भी चाहिए, हैशटैग सैड लाइफ। अगला क्वेश्चन है आपका फेस देखो नहीं तो सैना बुरा मान जाएगी। ओके मैंने मेरा फेस देख लिया है एक मिरर में, आपको ऐसा बोलना चाहिए था आपका फेस दिखाओ, आपने बोला देखो, तो मैंने तो देख लिया है। अगर तुम बोलते फेस दिखाओ तो मैं दिखा देता, क्योंकि तुमने मेरा चैनल का बैनर बनाया है, कमाल का बैनर लग रहा है बता रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है तुमको किसने मोटिवेट किया यूट्यूब को स्टार्ट करने के लिए? बस पोकेमोन ने मोटिवेट किया, पोकेमोन देखता था, कुछ मिस्ट्री आती थी दिमाग में तो उसको मैं सोल्व करता रहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे डाल के इसको पैसा कमाया जाए। पैसा तो आया नहीं बट मजा जरूर से आया। अगला क्वेश्चन है निश का, नाम देख रहे हो अच्छा है यार। अगला क्वेश्चन है पहला प्रश्न, सैना और ग्रिंजा एनिमे व्यू से कौन ज़्यादा पसंद है? देखो एनिमे व्यू का मुझे पता नहीं, लेकिन यूट्यूब व्यू से दोनों कमाल के हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न, आप पोकेमोन के प्रोटेगनिस्ट, भाई इतनी कड़क अंग्रेजी मत बोला करो, मुझे तकलीफ होती है, बट अगर आप पोकेमोन के मेन हीरो होते तो आपकी ड्रीम टीम क्या होती विदाउट लेजेंडरीज? देखो मेजिकार्प ब्यूडूफ मेटापोड रेडोटा ये सारे पोकेमोन होते, भिगो ये सारे लेजेंडरी से भी ज्यादा पावरफुल है। अगला क्वेश्चन है कि भाई फेस रिवील करेंगे यार, मतलब यार मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, मैं फेस रिवील के बारे में कभी झूठ बोलता हूँ कि आपसे करूँगा? यार मैं कभी झूठ नहीं बोलता इस मामले में तो। और गेम प्ले करो विद फेस बिकॉज योर चैनल बेस इज टू हाई। यस करेंगे गेम प्ले, पक्का पक्का करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रांजल का, वो बोल रहे हैं कि भाई तुमको डीसी ज़्यादा पसंद है या फिर मार्वल? देखो दोनों ही ओसम है, लेकिन मैं मार्वल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ बिकॉज उनका कॉन्टेंट ज़्यादा आता है, मूवीज है, वेब सीरीज, मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन है, मजा आता है देखने में। अगला क्वेश्चन है क्या ये भी आपके फेस रिवील मतलब फेक रिवील जैसा सीन होने वाला है? भाई नहीं नहीं तुमने मेरा रोस्ट किया कैसे, फेस रिवील के बारे में कुछ बोलने का नहीं, फेस रिवील पे जाने का नहीं। अगला क्वेश्चन है लेजेंड गेमर का, नाम में ही लेजेंड है मतलब मेरे पे गयो, विच इज योर फेवरेट एंड क्यूटेस्ट पोकेमोन? स्क्वाइटल जो था मेगा वो काफी क्यूट था, विच इज योर फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन? ऑफकोर्स म्यूटू, सॉरी मेजिकार्प, बट लेजेंडरी लेजेंडरी होता है, तुम्हारे जैसा फेक पोकेमोन नहीं है म्यूटू। अगला क्वेश्चन है प्रो 2020 का, 2020 काफ़ी मनुष्य साल था बट मेरा चैनल ग्रोथ हुआ था तो अच्छा था। ये बोल रहे हैं कि भाई फेस रिवील कब करोगे? करेंगे आज ही कर देंगे, टेंशन मत लो। और इनका कहना है गो के लिए दो शब्द, गेट लॉस्ट गो, यहाँ से निकल जाओ, यही बोलना चाहूँगा। और अगला क्वेश्चन है भाई फेस रिवील करेंगे? भाई यार इतने डरावने क्वेश्चन पूछती हो हर बार, तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि गुरुजी को हार्ट अटैक आ जाएगा? लेकिन नहीं पूछना है तुमको ये। अगला क्वेश्चन है पोकेमोन की दुनिया में सच में होती तो आप क्या पोकेमोन ट्रेनर बनते? ना कतई ही नहीं, ट्रेनर तो मैं बनता ही नहीं, मैं बनता प्रोफेसर ओक, मतलब ट्रेनर मेरे अंडर में काम करते, पोकेमोन वो कैच
करते, उनके पोकेमोन मेरे पास आते, डायरेक्ट बिना मेहनत के पोकेमोन आते, उनको बाद में मैं काला बाजारी में बेच देता, जैसे कि प्रोफेसर ओक ने इसके सेप्टर को बेच दिया है। मतलब मस्त प्लान है, कभी भी बनना हो तो प्रोफेसर ओक की बनना, मस्त प्लान है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है गूगल यूजर का, इनका क्वेश्चन है पोकेमोन गुरुजी शॉर्ट्स नाम का चैनल बना रखा है लेकिन मेन चैनल पे शॉर्ट्स क्यों डालते हो? बस ऐसे ही व्यूज के लिए। अगला क्वेश्चन है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा दिन लग जाता है फिर भी व्यूज नहीं आते, क्या करते क्या हो? वीडियो आती है जैसे नोटिफिकेशन आता है वीडियो देख लिया करो ताकि मेरा भला हो जाए, मेहनत का फल तो मिले, लेकिन नहीं। अगला क्वेश्चन है तनिषा जिंदल का, उनका कहना है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन पोकेमोन जर्नीज? अच्छी सीरीज है, एक बार मैंने मजे मजे में रोज कर लिया था, लोगों को लग रहा था कि जिस थाली में खाता है उसी में शेयर करता है। नहीं नहीं भाई, थोड़ी सी बड़ा सी गो को लेकर तो मैंने गो का रोस्ट किया बट नेम जर्नीज का लगा दिया, बोलते माइंड। अगला क्वेश्चन है सईना का, देखते हैं हमारे भी कुछ प्रश्न उठाइए अगर मन करे तो। हाँ क्यों नहीं, सईना का नेम रख रखा है, सईना की डीपी लगा रखी है तो पक्का लगेंगे ना तुम्हारे क्वेश्चन को। सईना नेम रखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्यूएनए में आएगा। लेकिन एक सेकंड, इनका टाइटल क्या है, नाम क्या रख रखा है? सईना एक्स एस। भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब तो तुम्हारे क्वेश्चन को मैं लूंगा ही नहीं। नहीं नहीं स्किप करो इसको। अगला क्वेश्चन है कि भाई तुमको जो है ना बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था पोकेमोन एनीमे में? जब मैंने चीज़ें बताई कि ग्रिंजर वापस आएंगे, सईना वापस आएंगे और वो बात सच हो गई और जो लोग बोल रहे थे कि भाई तू ऐसा वैसा, उनके मुंह पे चप्पल का स्वाद आ गया, मतलब मज़ा आ गया यार, मैंने बोला तो सच हो गया था, ये बेस्ट एक्सपीरियंस था। अगला क्वेश्चन है व्हाई पोकेमोन इज बेस्ट? बिकॉज पोकेमोन इज बेस्ट यार। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो है स्टार गेमिंग का, तो आर यू गुड एट पोकेमोन गेम्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई एम ए नूब। मुझे पता है कि चाइल्डजार्ड जो है फर्स्ट दो जिम में वीक पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं चाइल्डजार्ड को चूज करता हूँ बिकॉज मैं दिल से खेलता हूँ दिमाग से नहीं। कि भाई आप किधर से हो? भाई मैं मेरे घर से हूँ। अगला क्वेश्चन है मयंक का, ये बंदा बता रहा हूँ मेरे से 1.5 के हर्ट्स लेके बैठा है, अगर मैं कभी मर भी जाऊँ ना तो मुझे ये जिंदा कर देगा। तो इनका पहला क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन लोगे या इग्नोर करोगे? तो इसी का आंसर दे देते हैं, भाई इग्नोर करूँगा, इसको स्किप करो रे। तो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन ले ही लेते हैं, बेचारे ने इतनी मेहनत की है। बट मैं एक बात जोर से बोलना चाहूँगा, इतना नल्ला कोई कैसे हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है? बट कोई नहीं, इनका पहला क्वेश्चन है कि भाई अपने खुद के डिस्कॉर्ड सर्वर को प्रमोट करो। हाँ मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, उसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, कर लेना ज्वाइन, क्या जा रहा है, वहाँ पर बहुत सारे मेम्बर्स भी है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रो का, बोल रहे हैं कि हाइड्रो महान बोलो, नहीं बोलूँगा, स्किप करो इसके क्वेश्चन को। सो अब आते हैं दो मेन क्वेश्चन पर के लिए आप अभी भी वीडियो में बने हुए हो। पहला क्वेश्चन है कि भाई यूट्यूब इनकम कितनी है? तो देखो मेरी यूट्यूब इनकम क्या, जितने भी जो पोकेमोन के ऊपर एनिमे के ऊपर वीडियो बनाते हैं उनकी इनकम काफ़ी कम है, बिकॉज यूट्यूब जो है इंडियन यूट्यूबर को काफ़ी कम पैसा देता है और उसमें भी पोकेमोन यूट्यूबर को और भी कम देता है। बताने लायक हो जाने दो, फिर बता देंगे। अब बात करते हैं फेस रिवील के बारे में। तो देखो फेस रिवील अभी नहीं करूँगा, मैं इसमें करने वाला था लेकिन यार क्या मज़ा आएगा, कुर्सी पर आके बैठ जाऊँगा और फेस कैम दूंगा तो मजा नहीं आता, यूट्यूब को हिला के रख देंगे, मतलब सबसे ओसम तरीके से फेस रिवील करेंगे, गाना भी आने वाला है। मैं भी ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि गाने में रिवील कर दूं, अगर गाने में नहीं आएगा तो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक फेस रिवील के लिए वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके लिए 20K लाइक कर दो, अगर 20K लाइक हो गए तो अगले वीडियो में मैं क्यूएनए वापस लेके आ जाऊंगा। एंड प्रोग्रेस का आंसर दो, बाय बाय, सब्सक्राइब करो।